और बात करेंगे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जमशेदपुर लाइब्रेरी समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारी तवज्जो दे। वहीं उन्होंने वायरल ऑडियो पर कहा कि ये ऑडियो 10 महीने पहले का है। पुस्तकालय समिति के चेयरमैन इरफान अंसारी और जामताड़ा के विधायक आज जमशेदपुर पहुंचे हैं। आप कुछ दिन पहले एक ऑडियो रिलीज आया था, आपने उसमें कुछ विवादित बयान दिया था, उसको आप क्लियर करें क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं। पदाधिकारी जो होते हैं ना, वो काम करने के लिए हैं, जनता को तंग करने के लिए नहीं हैं आप। और मैं केवल जामताड़ा का विधायक नहीं हूं ना, किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं वेट नहीं करता हूं। लगा काम है, भेदभाव ना करके आप ईमानदारी से काम करें। अभी जो मेरा ऑडियो वायरल हुआ, वो अमृता भगत के नाम की लड़की, उसने कहा कि विधायक जी, एक भाजपा वाले ने कि पटाखे वाले पर कंप्लेन कर दिया है और एसडीओ आया और पटाखा जब्त कर दिया। तो मैंने कहा एसडीओ को कि एसडीओ साहब, ये आज से करीब हमें लगता है 16 महीने पहले जब हम लोग चुनाव जीत कर आए थे, और हाँ उस समय का ऑडियो था, और हमने कहा कि एसडीओ साहब, मैंने साहब कहा, अरे एसडीओ फिर जो क्या है, आप काम करने के लिए आए हैं, जो पदाधिकारी अच्छा काम करे मैं उसको सम्मानित करूंगा, और अफसर लोग के बारे में ऑडियो लीक नहीं होना चाहिए, मेरा दायित्व बनता है, मैं वीडियो को झाड़ूंगा नहीं, मैं एसडीओ को नहीं झाड़ूंगा, गलत करेगा तो क्या मैं उसको चुमा लूंगा क्या? ये पुराना था ऑडियो जो रिलीज हुआ था, ये ऑडियो पुराना था और उस समय की बात थी, और वो एक व्यक्ति को तड़पाया जा रहा था उसको लेकर यह ऑडियो था, उन्होंने कहीं गलत बात नहीं की। और जो समिति की बैठक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ग्रामीण स्तर के जो स्तर है वहाँ पे पुस्तकालय स्थापित करें ताकि ग्रामीण बच्चे भी वहाँ जाकर पढ़ाई कर सके और अपना एजुकेशन हायर तक पहुँचा सके। तो ये गनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत।